उत्तर प्रदेश में योगी सरकार दोबारा बनने के बाद अवैध निर्माण को लेकर सरकार के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही लगातार जारी है, जिसके चलते शामली जनपद में मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध कॉलोनियों पर योगी का बुलडोजर चलाया जा रहा है। वहीं शामली जनपद में आधा दर्जन से ज्यादा अवैध कॉलोनी में प्लॉट काटे जा रहे हैं। कृषि भूमि को धारा 1973 में तब्दील कराए बिना उसमें प्लॉटिंग करना कानूनन अपराध है, जिस पर मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण की ध्वस्तीकरण की कार्यवाही जारी है। वहीं प्रशासन की इस कार्यवाही से अवैध रूप से कॉलोनी काटने वाले माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी 2.0 की सरकार बनने के बाद भू माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर का सहारा लिया है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में भू माफियाओं और अपराधियों पर बुलडोजर की कार्यवाही लगातार जारी है। उसी के चलते शामली जनपद में भू माफियाओं पर मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चल रहा है, जिसमें आदर्श मंडी थाना क्षेत्र की रेल पार्क कॉलोनी में 127 बीघा जमीन में अवैध रूप से काटी जा रही प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई है। वहीं शामली सिटी में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा ऐसी कॉलोनियां हैं जिन पर मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा योगी का बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। आपको यह भी बता दें कि किसी भी कृषि भूमि में प्लॉट तभी काटे जा सकते हैं जब उस जमीन को विकास प्राधिकरण की धारा 1973 में रजिस्ट्रेशन हो चुका हो। यदि कोई भी भूमि धारक अपनी कृषि भूमि को धारा 1973 में तब्दील किए बिना कॉलोनी काटता है तो वह अवैध रूप से मानी जाती है, जिसका विकास प्राधिकरण संज्ञान में लेकर नोटिस जारी करता है। वहीं अगर नोटिस जारी होने के बावजूद भी कृषि भूमि पर प्लॉटिंग की जाती है तो ऐसी स्थिति में विकास प्राधिकरण ध्वस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लाता है। ठीक ऐसा ही मामला जनपद शामली में सामने आया, जहां पर कृषि भूमि को विकास प्राधिकरण की धारा 1973 में तब्दील कराए बिना ही अवैध रूप से कॉलोनी बनाकर प्लॉट काटे जा रहे थे। वहीं अवैध रूप से प्लॉट काटने पर मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी किए हैं, जिसमें शामली सिटी की लगभग 7 से 8 कॉलोनियों को मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा यह नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन भू माफियाओं द्वारा किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया गया और प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए अवैध प्लॉटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी रखी गयी। उसी के चलते आज जनपद शामली में मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण योगी का बुलडोजर लेकर पहुँचा था, जहाँ पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। वहीं ध्वस्तीकरण की इस कार्यवाही से भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। ये मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो कृषि भूमि में बगैर किसी लेआउट के पास कराए हुए प्राधिकरण से ये लोग अवैध कॉलोनी काट दे रहे हैं, जिनके लिए बार बार इनको नोटिस दिए जाते हैं, लेकिन इनके नोटिस के कोई जवाब नहीं दिए जाते और इसी के तहत जो है आज ये कार्रवाई की जा रही है। जनपद में कितनी ऐसी कॉलोनी है जिसमें बुलडोजर चलेगा? करीब 8 कॉलोनियाँ हैं, लेकिन आज ये शुरुआत हुई है। ये लगभग 3 या 4 कॉलोनियाँ हैं यहाँ पर इसके रेल पार में एसपी ऑफिस के सामने। तो किस तरह का नोटिस जारी किया गया जिसमें नियम के अनुसार कार्यवाही जो की गई है? किस तरह का इनको नियम जिसमें होता है कि 143 या एक्स्ट्रा? नहीं, 143 से प्राधिकरण को मतलब नहीं होता। हम लोगों का उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 की धाराएँ हैं, उसके अंतर्गत कार्रवाई करता है प्राधिकरण। इसमें बार बार इनको पहले कारण बताओ नोटिस दिया जाता है कि आप लोग ये काम कर रहे हैं, इसका नोटिस का जवाब दें कि किसके आपने कहाँ से नक्शा पास कराया, क्या कराया, लेकिन जब नहीं मिलता तो बार बार इनको नोटिस दिए जाते हैं। बाद में ध्वस्तीकरण के लिए ऑर्डर पास किया जाता है। ध्वस्तीकरण का ऑर्डर इन पर सब पास हो चुका। लगभग यहाँ पर 127 बीघे जमीन में कॉलोनी काटी जा रही थी जो पूरी अवैध थी।